नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं आपके साथ नाजिश मेहता। बिहार में एक कहावत प्रसिद्ध है कि आग लगे चाहे बस्ती में, नेताजी रहते मस्ती में। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के सारी बस्तियों की हाल काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। हमारी टीम लगातार बिहार के अलग अलग बस्तियों में जाकर बस्ती के लोगों की आवाज़ बनते आ रही है। इसी क्रम में जब हम गर्दनी बाग के वार्ड नंबर 15 के एक बस्ती में पहुंचे, तो वहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सिर्फ हवा मिल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब अपना सात निश्चय लाया था, तो उसमें कई सारे बातें थीं कि लोगों के घर तक नल जल की सुविधा पहुंचेगी और साथ ही साथ हर बस्ती में शौचालय भी बनाया जाएगा। लेकिन उनकी ये वादे, उनका ये सात निश्चय किसी भी तरह से पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। बात सिर्फ गर्दनी बाग की बस्ती की नहीं है, पटना में जितनी भी बस्ती हैं उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है। जब हमने बस्ती के लोगों से बात की, तो उन्होंने किन किन समस्याओं पर हमसे बात किया, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप बने रहें इस रिपोर्ट में। पानी का सुविधा नहीं है, हम लोग का शौचालय का सुविधा नहीं है, कोई चीज घर द्वार कोई चीज का सुविधा नहीं है। ऐसो कैसो जीवन बिता रहे, कमा रहे, खा रहे हैं। पहले हम लोग का तो थोड़ा बहुत बिजली का लाइट भी था, वो भी कट गया। रोड पे भी की लाइट नहीं है, रोड पे भी पूरा अंधेरा में रहता है, बाल बुतरू रहता है अंधेरे में। पानी का सुविधा नहीं, लाइन का सुविधा नहीं, लैट्रिन बाथरूम का सुविधा है। रोड पे जवान जवान लड़की है, बहू है, पुतहु है, सब जाता है रोड पे करने के लिए। हम ला रहे हैं शौचालय के नल से। शौचालय के नल से? तो इस बस्ती में पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं जी, नहीं है पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था नहीं जी है? नहीं। तो कितनी परेशानी होती? बहुत परेशानी होती है। हम रहते हैं अपना गर्दनी बाग में, रहते थे वहाँ से। आप यहाँ झोपड़ी बना लिए, गरीब आदमी रह रहे हैं। तो अब बिजली भी नहीं है। ये बताइए चाची, आप लोग कब से यहाँ रह रही हैं? 10 साल से रह रहा है। 10 साल से रह रही हैं? 10 साल से ज्यादा हो गया। कहीं नहीं दिया हम लोग के, पानी का सुविधा तो है ही नहीं। अपना जीवन किस तरह से बिताती हैं? अब क्या कर, अब जीवन है तो किसी तरह से तो बिताना ही है ना। जेने तेने से पानी लाते हैं, यूज करते हैं, उसी में नहाना खींचना है, उसी में क्या करेंगे। जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चला रहे हैं। सरकार का कोई मानता ही नहीं है, सरकार इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। सर, कभी वार्ड काउंसलर से आपने कहा कि यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है? कह के क्या होगा, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या बोले? कोई नहीं सुनता है। कौन सुनता है? अभी तो वार्ड कर्मी के पास हम लोग का कितना 5-6 दिन से लाइन कटा हुआ, काट के चला गया था। बोले तो आज आके बोले कि ठीक है लाइन जुड़वा देते हैं। मतलब कितने दिनों से लाइन नहीं है आपके यहाँ? 5-6 दिन से कटा हुआ है। 5-6 दिन से लाइट जो है वो आप लोग के यहाँ कटी हुई है। हाँ। लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। मगर आज आए हैं तो बोले कि ठीक है जुड़वा देते हैं। अच्छा। तो हो सकता है कि शाम लगे कोई सुविधा मिले। क्या होगा, राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड नहीं बना हुआ है? नहीं, बनल था, ललका कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो वार्ड काउंसिलर को नहीं बोलती हैं कि बना दे वार्ड आपका राशन कार्ड? वो कई दफे भरवाए हैं। हाँ, फिर भी नहीं बना है। भर के जाता है, कहता नहीं आया। तो कैसे आप लोग अपना घर चलाती हैं? कैसे वो है, लेबर मजदूरा में खटते हैं। यही है, आज भी आया था कि यहाँ खाली करो, खाली करके हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी है। यही सरकार से विनती है कि कहीं पे हम लोग के रहने का सुविधा दे। कागज पत्र चुन के हम खेबे करते हैं, कचरा चुन के। पानी का व्यवस्था एकदम नहीं है बाबू। पानी बोलते देखते हैं नहा नहीं रहे बुरा, देखिए कुछ नहीं है, पानी बेगर तरफ रहे, पानी नहीं मिल रहा है बेटा। पानी के चलते यहाँ के लोग बहुत दुख देता है। अपना अपना नल रखे हुआ, अपना अपना पाइप रखे हुआ है, अपना अपना पाइप से जो है से पानी लेकर के अपना इस्तेमाल करता है। हमको लेने, हमको सबसे किनारे हटाए हुआ है। देखते हैं कहाँ से लेके आए हैं। जब यहाँ से हटाएंगे तो कहीं हम लोग का सुविधा देंगे, तभी तो हम लोग जाएंगे ना। रोज खाने कमाने वाले आदमी हैं, 4-5 गो बाल बच्चा है, तो उसको लेके कहाँ ढनकेंगे एक बैग? नहीं, शौचालय का सुविधा नहीं है, नहीं पानी का सुविधा है। तो आप लोग शौच करने कहाँ जाती हैं? जने तने जाते हैं, रात बिरात के, शायद सुबह लग गया तो पट्टी जने तने बैठ जाते हैं, चल जाते हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें पानी की काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, उनके बस्ती में शौचालय नहीं है और ना ही नीतीश कुमार का नल जल योजना उन तक पहुँचा है। बहुत सारे लोगों ने यह भी बताया कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है,
तो उन्हें राशन नहीं मिल पाता है और साथ ही साथ मजबूरन उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है अपना जीवन यापन करने के लिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।